नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यदि ज़्यादा गैस छोड़ते हैं तो क्या कारण है इसका और आप इससे कैसे निवारण पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर भरे समाज में बीच में बैठे हुए किसी पार्टी में या कमरे में जब उनको गैस निकलती है तो ऐसे में एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है। लोग ये नहीं जान पाते कि किसने किया, लेकिन जिसने किया है उसको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है। तो ऐसा दोस्तों क्यों होता है, क्यों आप बार बार आप गैस छोड़ते हैं? आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गैस की प्रॉब्लम होगी, जो बार बार वो फॉल्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो ये होता है कि पाचन तंत्र का गड़बड़ होना। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र जिसका भी गड़बड़ रहता है वो ज़्यादा ही गैस छोड़ता है, या यूँ कहें ज़्यादा पा देता है। तो किस क्या कारण है इसका? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि आप कुछ ऐसा खा लें जो कि आपके पेट में पच ना पाए। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आती है सलाद। बहुत सारे लोग दोस्तों कच्चा सलाद खाते हैं और खाने के साथ काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, तो ऐसी चीज़ दोस्तों इसके कारण भी पेट में गैस बनने लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो दोस्तों होता है वो होता है दाल खाना या प्रोटीन रिच डाइट लेना। अगर आप कोई भी दाल खाते हैं मूंग को छोड़ के, तो वो सभी वात करती हैं, यानी कि पेट में गैस का कारण बनती है। दूसरी बात ये होती है कि आप सोयाबीन लेते हैं या दूध आपको नहीं पच पाता है, ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जो कि आपको पचने में समस्या होती है लेकिन आप जानते नहीं हैं, फिर भी उसे खाते रहते हैं। आप जैसे आपको ये नहीं पता है कि दूध आपके शरीर में पचता है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे खाते रहते हैं। आपको ये नहीं पता है कि कटहल की सब्ज़ी आपको पचती है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे खाते हैं। आप मूँगफली की खाते हैं, लेकिन हो सकता है मूँगफली आपके शरीर में सही से डाइजेस्ट नहीं होती हो। तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि कौन सी सब्जियां हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पेय पदार्थ हैं जो आपके पेट में सही से पच नहीं पाते हैं, तो उनके कारण आपको पादने की समस्या होती है। तो ये बात जब आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे उन चीज़ों को कम मात्रा में लें या फिर अवॉइड करें, तो इससे दोस्तों आपके गैस की प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ज़्यादा समस्या ऐसी हो रही है तो कोशिश करें गुनगुना पानी 2 गिलास पिएं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।